हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एक कॉमन प्रश्न आ रहा था हमारे कमेंट बॉक्स में, ये सर CG व्यापम का हॉस्टल वार्डन भर्ती पहले होगा कि ADO की भर्ती पहले होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हम लोग काफी डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सेकंडली देखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स और भी आप लोग को देने हैं, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, जो पहला अपडेट है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी गई है इसको मैं संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत सहायक परियोजना क्षेत्रपाल के पदों पर भर्ती हेतु रिटर्न एग्जाम का आयोजन किया गया था, आपको पता होगा। एट प्रेजेंट जो अपडेट निकल के आ रही है इसके अनुसार देखिएगा, इस भर्ती परीक्षा का प्रथम चरण परिणाम जो है उसको घोषित कर दिया गया है, प्लस देखिएगा फाइनल आंसर की जो है उसको भी जारी कर दिया गया है। तो कैसे करके यहाँ पे देखिएगा हम रिजल्ट चेकआउट कर पाएंगे उसको भी बता देता हूँ। एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसको क्लिक करिएगा, अपना रोल नंबर पुट करिए और आप अपना रिजल्ट चेकआउट कर पाएंगे। प्लस देखिएगा, अगर आपको जो है फाइनल आंसर की चाहिए उसका भी PDF मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, वहां से उसको चेकआउट कर पाएंगे। चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड अपडेट है ये CGPSC से निकल के आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं साइड में आपको शो कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखिएगा, संबंधित है सहायक संचालक हथकरघा एवं सहायक पंजीयक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भर्ती हेतु। आपको पता होगा कल जो है यानी कि 4/5/2022 को उसका रिटर्न एग्जाम लिया गया था। बहुत सारे छात्रों का डिमांड था कि सर इसका जो GS वाला पोर्शन है यानी कि जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है पेपर वन का, उसको आप जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, यानी कि उसका क्वेश्चन पेपर को शेयर कीजिए। देखिएगा, पार्ट वन का क्वेश्चन पेपर का PDF जो है दोनों ही भर्तियों के लिए मैंने हमारे टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, वहां से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप सभी इस वीडियो में आए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल देखिएगा, आपको कॉमन प्रश्न आ रहा था कि सर हॉस्टल वार्डन भर्ती पहले होगी या ADO भर्ती। मैं आपको सिस्टमेटिकली और प्रैक्टिकल बातों के साथ इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। एक्चुअल में देखिएगा, किसी भी विभाग में अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट आना है तो देखिएगा उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले उस पर्टिकुलर पोस्ट का यानी कि उस विभाग के उस पर्टिकुलर पोस्ट को रिव्यू किया जाता है, यानी कि कितने पोस्ट वहां पे खाली हैं, प्लस कितने पदों पर यहाँ पे देखिएगा प्रमोशन होना है, क्योंकि उससे भी पोस्ट वैकेंट होते हैं। और उसके पश्चात फाइनली पदों की जो संख्या है यानी कि टोटल पोस्ट होते हैं उनको भेजा जाता है वित्त विभाग में, क्योंकि वहां से परमिशन वगैरह मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं ADO भर्ती की और प्लस देखिएगा यहाँ पे हॉस्टल वार्डन भर्ती की, साइड में आप दोनों देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट वहां पे आपको दिख रहा होगा। दो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या जानकारी दी गई है कि देखिएगा, यहाँ पे मुख्य रूप से बताया गया है कि ये फाइनल जो है सीनियोरिटी लिस्ट है, यानी कि जो सबसे सीनियर कर्मचारी है इस पर्टिकुलर पोस्ट के यानी कि ADO के और हॉस्टल वार्डन के, उनका पूरा लिस्ट जारी किया गया है। अब सीनियोरिटी लिस्ट जारी करने का मेन मकसद क्या होता है कि इनमें से कुछ लोगों को प्रमोशन देके देखिएगा वहां पे जो पोस्ट वेकेंट हो गए उन पर भर्तियां किए जाना। प्लस देखिएगा, ये हॉस्टल वार्डन और ADO के ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, तो इन दोनों को मिला के भर्ती बड़ी होती है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन जो है एक्सपेक्टेड है 500 प्लस का और ADO की भर्ती जो है 270 प्लस जो है एक्सपेक्टेड है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सीनियोरिटी लिस्ट के बारे में, उसका PDF वगैरह शो किया मैंने, प्लस बता दिया कितने पोस्ट वैकेंट है। तो डिपार्टमेंट इन चीजों को रिव्यू करता है, इसके पश्चात जो टोटल पोस्ट वैकेंट है उनमें से जितनी की इनको जरूरत है, जितने पदों पर भर्ती लेना है इनको, उसका पूरा ब्यौरा जो है भेजा जाता है वित्त विभाग को। वित्त विभाग के साथ एक चीज देखा गया, जनरली 50 से 60% पदों पर ही वो जो है सहमति बनती है उनकी, यानी कि मान के चलिए 500 पोस्ट भेजा गया है वैकेंसी के लिए, यानी कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने 500 पदों पर भर्ती लेनी चाहिए है, तो वित्त विभाग से मान के चलिए 50 से 60% यानी कि 250 से 270 के आसपास पदों पर ही सहमति मिलती है कितने पदों पर आप भर्ती ले सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिएगा क्या रहता है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहता है उसका पूरा ब्यौरा तैयार करता है, यानी कि उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी, नियम कानून क्या रहेंगे, सब कुछ तैयार किया जाता है विभाग के द्वारा और उसका सारा ब्यौरा भेज दिया जाता है पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को, जो कि यहाँ पे CG व्यापम है। फिर आगे का प्रोसेस जो है CG व्यापम का रहता है, नोटिफिकेशन जारी करना, फॉर्म फिलिंग कराना, तो नॉर्मल प्रोसेस आपको पता होगा। तो अब मेन मुद्दा आता है कि यहाँ पे आपका हॉस्टल वार्डन भर्ती पहले होगा कि ADO का। अब देखिए दोस्तों, साइड में जो दोनों ही PDF शो किए मैंने, हॉस्टल वार्डन का प्लस ADO का, ये वरिष्ठता सूची है यानी कि सीनियोरिटी लिस्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में इस डिपार्टमेंट जो सबसे सीनियर कर्मचारी हैं उनका लिस्ट है, इनमें से ही प्रमोशन हो रहा है जिससे पोस्ट वेकेंट होंगे, प्लस ऑलरेडी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली है उनका ब्यूरो जो है
इस देखिएगा नोटिफिकेशन को जारी कब किया है डिपार्टमेंट्स ने, उनका डेट देखेंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि देखिएगा दोनों ही नोटिफिकेशन जो जारी हुआ डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें सिर्फ एक महीने का डिफरेंस है, यानी कि मान के चलिए ये जो दोनों भर्ती है कभी भी आगे पीछे ही आएगी, यानी कि हॉस्टल वार्डन पहले आ जाएगा उसके बाद एडीओ आएगी, या एडीओ पहले आएगा उसके बाद हॉस्टल वार्डन आएगा। ज्यादातर चांसेस है कि हॉस्टल वार्डन पहले है, लेकिन मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म बता रहा हूँ कि दोनों भर्तियां जो है आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। हो सकता है 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम एक महीने का डिफरेंस दिखेगा, लेकिन आगे पीछे होने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी उस अनुसार करिए, क्योंकि आप लोग को दोनों भर्तियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर तैयारी रहेगी तो आगे पीछे अगर भर्ती आती भी है तो आप लोग अपना सिलेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि देखिएगा एक पर्टिकुलर जो है टॉपिक का ही डिफरेंस है, जो कि एडीओ में एक्स्ट्रा पूछा जाता है, ग्रामीण विकास वाला और उसकी योजनाएं वगैरह, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसको पढ़ने में देखा गया है 1.5 से 2 महीने का समय मैक्सिमम लगता है, तो उसको आप तैयारी करिए, बेस्ट वे में तैयारी करिए। बाकी सब कुछ कॉमन है जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग अपना सिलेक्शन इस आधार पर ले पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त बता दूं जितने भी पीडीएफ और लिंक्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए इस वीडियो में, सब कुछ मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, तो वहां पे आप जाकर उसे चेकआउट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।